सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। कौन बनेगा करोड़पति के नौवे सीजन में पहली करोड़पति अनामिका मजूमदार पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने शो के दौरान अमिताभ बच्चन से झूठ बोला था। दरअसल शो के दौरान अनामिका ने बताया था कि उनके एक खास फ्रेंड हैं और वो कोई शख्स नहीं बल्कि एक बालकनी के सामने लगा पीपल का पेड़ है। अनामिका ने बताया कि वह हमेशा अपनी दोस्त पीपल के पेड़ से बातें करती हैं। अमिताभ ने भी अनामिका और पीपल के पेड़ की दोस्ती के शो के दौरान तारीफें की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक अनामिका का यह दावा पूरी तरीके से झूठा है क्योंकि उनके घर के पास कोई पीपल का पेड़ नहीं है। यह पूछने पर कि उन्होंने यह झूठ क्यों बोला तो उन्होंने यह कहा कि यह पीपल का पेड़ उनके पुराने घर के पास है। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद बयान बदलते हुए कहा कि यह पीपल के पेड़ की बात मैं आपको नहीं बता सकती, यह पीपल क्योंकि उन्हें डर है कि किसी को पता नहीं चल जाए और वहाँ पर जाकर वे पूजा करने नहीं लगे। अनामिका के घर के सामने एक बरगद का पेड़ जरूर है जो उनकी बालकनी से दिखता है। बता दें अनामिका ने शो के दौरान कहा था कि वे अक्सर अपनी बालकनी में बैठकर पीपल के पेड़ से बातें करती हैं। अनामिका ने यह भी कहा कि उनके और सोनी टीवी के बीच करार हुआ है जिसके मुताबिक वह पीपल के पेड़ के बारे में नहीं बता सकती। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते न्यूज चैनल को ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।